उत्तर प्रदेश में बीजेपी लीडरों की गुंडागर्दी का एक और वाकया सामने आया है। वाकया है यूपी के गाजियाबाद के बीजेपी काउंसलर का, जिसने सड़क किनारे कोल्ड ड्रिंक्स और नमकीन बेचने वाले मियां बीवी पर इसलिए हमला किया और मारपीट की क्योंकि उन्होंने बीजेपी लीडर से सिगरेट के पैसे मांग लिए थे। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई की और बीजेपी लीडर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हमला करने वाले दिगर मुलजमीन की तलाश की जा रही है। पार्षद जो है रोज रोज आते हैं, सिगरेट के डिब्बी लेते हैं। कौन सा इलाका, क्या नाम पार्षद का? पार्षद वहाँ राजीव कॉलोनी का। क्या नाम है? सुजीत। सुधीर। सुधीर। हाँ, तो क्या हुआ फिर? तो वो रोज रोज बोलते हैं ऐसे, वो सिगरेट देते, सिगरेट देने के बाद पैसा नहीं देते कभी भी नहीं। और सिगरेट का बोला पैसा दे दो भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक भी लिया, सिगरेट भी लिया, बोला भाई साहब पैसा बहुत दिन को हो गए, पैसा दे दो, इसीलिए गाली देने लगा बहुत सारे। और गाली देने लगा, इसका मारने भी लगा, कौन भौसरी वाले दुकान लगाएगा तुम्हारा। किस किस को मारपीट किया? वो मेरे भी मारा, मेरे आदमी के भी मारा, मेरे बच्चे के भी मारा, तीन लोग को मारा, 20-25 लोग लड़का को बुला दिया, मेरे दुकान भी पलट दिया, मेरा दुकान भी पलट दिया, मेरे नाक का देखो ये भी छीन लिया, ये भी छीन लिया, सारे लड़का वो लोग था 25-25 लोग। हाँ, मेरे साथ बदतमीजी भी किया। क्या धमकी देते हैं आप? वो धमकी दिया, सबको मार के फेंक दोगे, तुम कौन बचाने वाला है, कौन किया? और दुकान वालों से भी पैसे मांगता है? सारे दुकान वाले से पैसा मांगता है, सारे दुकान वाले देते भी है सारे पैसा, मांगते है एक दिन को 200-200 रुपया। और उसके साथ के लोग जो भी पैसा मांगते हैं, क्या हाँ सर, उसका भाई जो है वो भीने आते तो भीने खाते पीते हैं, भीने लेते हैं, वो भी नहीं पैसा देते हैं। उसका एक और जो है एक मोटा मोटा भाई, वो भी वैसे करते हैं, और जहाँ पैसा का नाम बोलते हैं धमकी देते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो आपको जितना बरसात खतरा है, डर है आपको आगे से? तो डर ऐसे करेगा तो डर है ना, क्या चाहते हैं आप? क्या जैसे आप कार्रवाई करो। कल दिनांक 20/5/2024 को मोहन नगर हल्का क्षेत्र थाना साहिबाबाद से एक खोखा संचालक की पत्नी सीता ने थाने पर तहरीर दिया कि उस एरिया का एक पार्षद सुधीर तथा उसके अन्य साथियों के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर के उसके साथ तथा उसके पति के साथ मारपीट की घटना कारित की गई, उसके खोखे को तहस नहस कर दिया गया तथा उससे कुछ रुपए और उसके गहने आदि छीन लिए गए। इस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें मुख्य अभियुक्त सुधीर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। इसमें जो भी CCTV फुटेज और वीडियो आदि के आधार पर जो भी संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।